नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7, 8 और 9 सितंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, देखिए साथ बात करते हैं यशु में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थिति यहाँ कैसे होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 7 सितंबर की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा, महाबली हनुमान जी का दिन होगा, कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और इस दिन पूर्व फाल्गुनी नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन योग की बात करें तो शादी नाम का भी योग रहेगा और शुभ नाम का भी दो शुभ रहेगा। जी दोस्तों, इन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप राहुकाल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 3:29 से लेकर शाम के 5:02 तक। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो बुधवार का दिन होगा, द्वितीय तिथि उत्तर फाल्गुनी नाम का नक्षत्र शादी शुक्र नाम का भी शुभ योग रहेंगे। दोस्तों, इन राहुकाल के समय दोपहर के 12:24 से लेकर दोपहर के 1:56 रहेगा और चंद्रमा दिन कन्या राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों, 9 सितंबर की बात करें तो गुरुवार का दिन होगा, शुक्र पक्ष की तृतीय तिथि हस्त नाम का नक्षत्र और ब्रह्म नाम का दुर्लभ संयोग बनेंगे। दोस्तों, आखिरी दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे नक्षत्र के साथ बहुत ही अच्छे शुभ योग हैं। राहुकाल का समय इस दिन दोपहर के 1:56 से लेकर शाम के 3:28 रहेगा और चंद्रमा इस दिन कन्या राशि के उपरांत तुला में गोचर कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ सकता है, विद्यार्थी वर्ग के लोगों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय है इन दिनों में आप नए वस्त्र एवं आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं। यात्रा करना आपके लिए यश में सार्थक साबित होगा। दोस्तों, यश में आप ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, यश में नेगेटिव की अगर बात करें तो दोस्तों जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा और हर कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। पिता की सेहत में गिरावट देखने को यश में मिल सकती है, कार्य क्षेत्र बदल सकता है दोस्तों, या फिर इसमें आपको कोई ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर कोई भी पोस्ट में हैं तो दोस्तों आपकी पोस्ट की जो है यश में ट्रांसफ़र हो सकती है। भाई बहनों से यश में विवाद हो सकता है, उनका योग बन रहा है। दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए उम्मीदों से भरा हो सकता है। आपको निजी और व्यावसायिक दोनों मोर्चों पर कुछ जो है अच्छी सूचना मिल सकती है। कई नई शुरुआत करने के लिए आपके लिए जो ये परिस्थितियाँ हैं बिल्कुल अनुकूल रहेंगी। दोस्तों, ये समय आपको हर विषय में थोड़ी गंभीरता बरतना आवश्यक होगा। हर एक काम में, कोई भी काम अगर नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों उन कामों को लेकर आप सतर्क रहें, तभी जो है आपका काम सफल हो पाएगा, वरना फिर आप कोई अड़चन में फंस सकते हैं। वह दोस्तों, ये समय किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा, इससे दोस्तों आपको भारी नुकसान भी हो सकता है जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप ये समय ऐसे लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे जो आपके रिश्ते के लिए काफ़ी आवश्यक होगा। मैं दोस्तों, यश में आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों बिजनेस या फिर एक्स्ट्रा इनकम के प्रयास कर सकते हैं। यश में आपको उम्मीदों के अनुरूप परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, यश में इस गोचर के दौरान कार्य क्षेत्र पर तरक्की हासिल होगी। सरकारी नौकरी वालों को गोचर के दौरान जो है लाभ मिल सकता है। आत्मसम्मान में यश में वृद्धि होगी और प्रशंसा के जो है हकदार आप यश में होंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपकी अगर लव लाइफ की बात करें तो यदि आप प्रेमी के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं या फिर बंधे हैं तो दोस्तों ये समय जो है आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। वहीं दोस्तों, वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपको शादीशुदा जीवन के लिए भी यश में बहुत अच्छा रहने वाला है।
अगर आप किसी के साथ शादी से जुड़ना चाहते हैं, शादी में किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो समय है बहुत अच्छा समय है, उनमें आप शादी कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह समय रिश्तों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है, किसी बात से विवाद होने की आशंका है। दोस्तों यह समय आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय आपको जल्दबाजी के कारण कहीं चोट लग सकती है। वही दोस्तों यह समय आपको गणेश जी सलाह देते हैं कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा कत्थई और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। दोस्तों यह समय आपकी चिंता का मुख्य कारण आर्थिक मामला रहेगा। भविष्य को सुरक्षित करने की योजना के पीछे यह समय अपनी समग्र शक्ति आप लगा देंगे। दोस्तों यह समय आप अपने लक्ष्यांक के विषय में अत्यंत दृढ़ तथा स्पष्ट होने के कारण से इस संबंध में जो है योग्य निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों आपके व्यक्तित्व पर आपकी व्यवहारिक दक्षता निश्चित रूप से यश में छा जाएंगी, इसे गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो बधाइयाँ हैं। दोस्तों यश में वित्तीय पुरस्कार के कार्य के मोर्चे पर आपका जो है यश में इंतजार कर रहा है। यश में आपको कोई पुरस्कार भी वित्त को लेकर मिल सकता है। हालांकि दोस्तों यह पुरस्कार जो है प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई नहीं देगा, पर इससे आपके वर्क रिकॉर्ड में कुछ उपलब्धियां जरूर जुड़ जाएंगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में जो है इज्जत के योग होंगे। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपने साथी को देखभाल करें। गणेश जी का सलाह है कि अपने प्रेमी जीवन को रोचक बनाने के लिए जो है ये शाम है। दोस्तों इन दिनों में अपने प्रेमी के जीवन को रोचक बनाने के लिए शाम को अपनी प्रेमिका के साथ कुछ रोमांचक उपहारों को एक्सचेंज करें। एक रोमांचक रात भाग्य में होगी, तो ऐसा गणेश जी का मानना है। वहीं दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आपको नकदी की कमी से यश में जूझना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपने जिस पैसे की आवक के विषय में सोचा था उसे आने में देर हो सकती है। दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, यदि आपको धन की परेशानी है या फिर नौकरी में दिक्कतें आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आपके अच्छे जो है करियर की तलाश में आप हैं, तो दोस्तों आपको यश में ये उपायों को करना चाहिए। दोस्तों किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए। लेकिन दोस्तों ताला खरीदते वक्त न तो उस ताले को आप खुद खोलें और न ही दुकानदार को खोलने दें। ताले को जांचने के लिए भी आप नौ खोलें। उसी तरह जो है किसी डिब्बे में बंद का बंद ताला दुकान से खरीद ले आएं और इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रख दें। शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर गुरुद्वारे या फिर किसी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब कोई उसे ताले को खोलेगा तो आपकी किस्मत भी खुल जाएगी।